दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पटना अनीसावाद के इस मंच पर। अभी तक हमने कैलकुलेशन के बहुत सारे पार्ट देख लिए हैं। अभी तक हम आरएन रेशियो को समझने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम आरएन रेशियो को और भी अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। आज हम सीखने जा रहे हैं आरएन रेशियो का कटिंग मेथड, अर्थात आरएन रेशियो को छोटा भी किया जा सकता है, उस रेशियो को कम भी किया जा सकता है अगर कटने योग्य हो तो। आइए देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा। हम एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिए। एक एग्जाम्पल हमने लिया, 5:5 की वैल्यू अगर 10 है तो आपसे पूछ रहा है 2:5 का मान कितना होगा। ठीक है, पिछली कक्षाओं में आपने ये देखा है कि 5 में 2 का गुना करेंगे तो 10 पे प्राप्त हो जाएंगे, मतलब उत्तर प्राप्त हो जाता है। तो 2 में 2 का गुना करेंगे तो 4, ये आपका उत्तर हो जाएगा। परंतु आज हम क्या देखने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ पे 5:5 का मान अगर आपको 10 दिया हुआ है तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं 1:5 का मान 10/5 है, तो हमने यहाँ से काट दिया, 5 से भाग लगा दिया, तो 1:5 का मान 2 आ गया। ठीक है, 1:5 का मान 2 आ गया। यहाँ से हमने क्या देखा कि हमने 5 और 10 कटने योग्य थे तो हमने 5 के टेबल से, अर्थात 5 के पहाड़े से काट दिया, तो उससे हमें क्या होगा, रेशियो थोड़ा छोटा हो गया। रेशियो का क्या हुआ, रेशियो छोटा हो गया। फिर हमें जिससे पूछा है, जैसे 2:5 का मान, तो दोनों तरफ 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए, जब गुना करेंगे तो ये 2:5 हो जाएगा और 2×2=4 हो जाएगा। इस प्रकार से हम ला सकते हैं, या हम ये बोल सकते हैं कि हमने यहाँ से काटा है। देखिए, 5 एकम 5, 5×2=10, या ये बोल सकते हैं कि 1:5 का मान आपके पास कितना आ गया, 2 आ गया। तो हमें 2:5 का मान चाहिए, तो हम दोनों तरफ 2 से गुना कर देंगे तो हमारा 2:5=4 आ जाएगा। देखिए कैसे, एक एग्जांपल और लेते हैं, उससे समझने का हम प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिए, देखिए एक एग्जांपल ले रहे हैं। हमने लिखा 15 और यह है 45 और हमें पूछ रहा है 7:5 का मान पूछ रहा है। ठीक है, हम ये बोल सकते हैं यहाँ से अगर कटने योग्य है तो हम काट के रेशियो को छोटा बना सकते हैं। कैसे, 15:5 का मान आपके पास 45 है, यहाँ से आपने 1:5 की वैल्यू निकाली, 45/15। हमने देखा 5 से कट रहा है तो 5 × 15 = 5, 5 से 5 × 15 = 5, 9 = 45, 3 से कट रहा है तो 3×3=9। ठीक है, तो 1:5 का मान हम 3 बोल सकते हैं, 1:5 का मान 3 बोल सकते हैं, या 15×3=45 डायरेक्ट दिख रहा है तो डायरेक्ट भी काट सकते हैं। 1:5 का मान 3 है, 7:5 का मान चाहिए, तो हमें दोनों तरफ अर्थात दोनों पक्षों में 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। देखिए कैसे, ये हो जाएगा 7:5 और ये 7×3=21, इस प्रकार से हो जाएगा। तो आपने क्या देखा, आज हमने यह देखा कि अगर हॉरिजॉन्टल में ऊपर और ऊपर कट रहा है, कटने योग्य है, तो हम संख्याओं को काट के रेशियो को छोटा बना सकते हैं अपने अनुसार, और जितना पूछ रहा है उससे गुना कर सकते हैं। अगर नहीं कटेगा तो हम 1:5 का वैल्यू निकाल के जितना दिया उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए कुछ एग्जांपल और लेते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि रेशियो का ये कटिंग मेथड किस प्रकार वर्क करता है। देखिए ध्यान दीजिए, हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। देखिए, हमने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है, हमने एक एग्जांपल लिया है कि 16:400 दिया हुआ है और हमें 15:5 का मान पूछ रहा है। ठीक है, हमने क्या देखा कि 16, हमने ये देखा कि 16/400 दिया हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, रेशियो को छोटा बना सकते हैं। देखिए काट सकते हैं, या हम इसे देखने के उद्देश्य से ये भी देख सकते हैं, 16:4×100, देखिए 4×16 मतलब 4:100 है, और इसको काट दीजिए तो 25 बार में कट जाएगा, मतलब 1:5 का मान 25 हो गया। ठीक है, मतलब काटना है सिंपल सा, 4 से काटे 4×16, 4×1=4, ये 100 हुआ, और 25×100 25 बार में कट जाएगा। 1:5 का मान 25 आया तो आपको 15:5 का मान पूछ रहा है, तो दोनों तरफ हमने क्या किया, 15 से मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, 25 में 15 का गुना करना है तो हम क्या देखते हैं, अगर मौखिक करना चाहें तो कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा, अगर हम इसे
15 का आधा और आधा करना थोड़ा सा हार्ड है, तो हम क्या करेंगे 16 ले लेंगे। 16 का आधा आधा कितना होता है 8, और 8 का आधा 400, परंतु हमने बढ़ाया है तो 1 की कमी मतलब 25 की कमी कर देंगे, तो 375 हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगर आपने गुना की वीडियो नहीं देखी है कि 25 में किसी भी संख्या का गुना कैसे किया जाता है या आंसर कैसे लाया जाता है, तो आप देख सकते हैं कि मौखिक किस प्रकार किया जा सकता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 375 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आइए अब कुछ हम एग्जाम्पल और लिखते हैं और प्रयास करते हैं इसको समझने का। देखिए हमने लिखा 25 रेशियो की वैल्यू आपको दी हुई है 200, और आपसे पूछ रही है 17 रेशियो का मान पूछ रहा है। यहाँ देखिए 17 रेशियो का मान आपको दिया हुआ 1190, और आपसे पूछ रहा है 18 रेशियो का मान पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए 125 रेशियो का मान आपको दिया, 3125 दिया हुआ है। आपसे कितने रेशियो का मान पूछ रहा है, आपसे 100 रेशियो का मान पूछ रहा है, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और देख लीजिए, ये 16 रेशियो का मान 848 है, और आपसे 15 रेशियो का मान पूछ रहा है, कितना होगा। देखिए ध्यान दीजिए, अब हमने ये देख लिया है कि किस प्रकार से कटिंग मेथड का यूज़ करना है। देखिए हमने ये देखा, यहाँ से हमें लग रहा है कि 5 का भाग जाएगा, तो हम 5 का भाग लगा देंगे, 5 25, 5 4 20, ये देखिए 5 8 40, मतलब क्या हुआ, एक रेशियो का मान आपके पास 8 आ गया, या हम ये बोल सकते हैं ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, जितने से पूछा उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 17 से गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 17 8 36 से 136 इसका सही उत्तर होगा। यहाँ देखिए ज़रा 17 रेशियो का मान 119 है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 119 × 10 कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा, 17 7 19 से मतलब एक रेशियो का मान 17 आया, या तो हम ये बोल सकते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर 17 है, हमें 18 का पूछ रहा है 18 रेशियो का मान, दोनों पक्षों में 18 का गुना कर दीजिए, या डायरेक्ट हम बोल दें मल्टीप्लाइंग फैक्टर में 18 का गुना कर दें, तो यहाँ पर भी 18 का गुना, यहाँ पर भी 18 का गुना, तो 70 में 18 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 17 8 26 से, और एक ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं। और देखिए और क्या है, यहाँ देखिए 125 रेशियो का मान 3125 है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको और भी छोटा कर सकते हैं, तो क्या करेंगे हम 5 से काट देते हैं, 5 × 10 = 25 हो गया, 5 6 31, 5 × 10 = 25 हो गया, और देखिए और जा रहा है तो और काट दीजिए, 25 और 5 1 5, 5 × 10 = 25 और जाएगा, 5 × 10 = 25, मतलब एक रेशियो का मान आपके पास प्राप्त हुआ 25 है। तो 100 रेशियो का मान पूछ रहा है, तो 100 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 100 से डायरेक्ट दोनों पक्षों में गुना कर दीजिए, तो ये 2500 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, 4 से भाग लग सकता है, तो 4 4 16, 4 2 8, 4 1 4, 4 2 8, ठीक है। देखिए 4 से कटेगा, 4 5 20, और 4 3 12, एक रेशियो का मान कितना आया 53 आया, आपसे 15 रेशियो का मान पूछ रहा है, तो 15 में दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे भी 15 का गुना कर लीजिए, तो इधर पे भी कर लीजिए, एक जैसी प्रक्रिया दोनों ओर करना है, तो क्या हो जाएगा 15 में 53 का मल्टीप्लाई करना है, तो कर लीजिए कितना हो जाएगा, 15 3 45, 4 5 और 15 5 75, और 75 4 7 95, इस तरीके से कर सकते हैं। और भी कुछ देख लेते हैं, एक दो एग्जांपल और लिख लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आए। ध्यान दीजिए हमने 16 तक किया, और कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं। देखिए कुछ और एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे हमारे पास है 9 रेशियो का मान 1089 है, ठीक है, आपसे पूछ रहा 5 रेशियो का मान पूछ रहा है कितना होगा। यहाँ पे देखिए 15 रेशियो का मान आपसे पूछ रहा 1350 है, और यहाँ पे 100 रेशियो का मान पूछ रहा है कितना होगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन ये है, आपसे 63 रेशियो का मान आपको दिया हुआ है, 225 दिया हुआ,
और आपसे पूछ रहा है 17:17 का मान दिए पूछ रहा है। ठीक है, इस तरीके से हमें करना है। अब देखिए क्या करना है, हमने ये देखा कि कटने योग्य है, यहाँ देखिए 5 से कटने योग्य दिख रहा है तो हम काट लेंगे। कैसे काटेंगे, 5 3 15, 5 2 10, 5 31, 5 7 35 और ये हो जाएगा। यहाँ से और देखिए 9 3 27, मतलब 1:1 का मान आपका कितना आया, 90 आया। जब यहाँ कुछ पूरा कट जा रहा तो क्या हो रहा है, एक पद प्राप्त हो रहा है और यहाँ पे कितना हो गया 90। 100:1 का मान पूछ रहा तो दोनों तरफ 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा। इधर देखिए यहाँ पे हमें क्या दिखा, 3 से जाएगा या तो क्या हो जाएगा 9 से जाएगा, तो हम पहले 9 से देख लेते हैं या 3 से देखते हैं, छोटी संख्या से 3 3 9, 3 3 9, 3 6 18, 3 3 9, 3 से और जाएगा, 3 1 3, 3 2 6, 3 1 3। 1:1 का मान 1:1 आया है, आपसे पूछ रहा 5:1 का मान, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा, 5:1 का मान आपका 5 1 5, 5 2 10 और 5 1 5 और 6, 6 0 5 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इधर देखिए, इधर हमें दिख रहा है 9 से जा सकता है तो हम क्या कर सकते हैं, 9 7 9 7 63 और 9 18 9 3 27, 9 2 18 हो गया, 9 2 18 हो गया, 19 20 21 22 कितना बचा 4, तो 9 5 45 होता है। अब देखिए 1:1 का मान यहाँ से कितना निकाल सकते हैं आप, 25/7 निकाल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कट रहा है। अब क्या करेंगे, 17:1 का मान पूछ रहा है तो दोनों तरफ 17 से मल्टीप्लाइंग कर देंगे। यहाँ हमने 17 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी कर दिया तो ये बन गया 17:1, ये हो गया आपका 25 × 17/7। तो इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। तो आपको अभ्यास करना है, आज आपने R-N रेशियो में क्या सीखा, आज आपने R-N रेशियो में यह सीखा कि अगर आपको होरिजेंटल में दिख रहा है तो आप काटने के योग्य हैं, अगर आप माइंड में काट सकते हैं तो और काट के रेशियो छोटा भी बना सकते हैं, या मल्टीप्लाइंग फैक्टर दिख रहा है तो जितना पूछा मल्टीप्लाइंग फैक्टर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए इस मंच पे, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।